जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का योग में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के एक टॉपिक इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो आप यही देख रहे हो, ये जो लाइन आपकी जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है। इंडिया को दो ग्रुप्स, दो इक्वल में बांटती है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या हिंदी में इसको बात करें हम लोग, तो तर्क रेखा। तो क्लियर, कितने पे होता है बेसिकली? ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, कितना है? 23.5 डिग्री। इसके पोजीशंस की बात किया जाए तो कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने राज्यों से क्रॉस करती है? कितने राज्यों से क्रॉस करती है? बात करें यहाँ पे हम लोग, फर्स्ट गुजरात, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये राजस्थान का एरिया है, तो सेकंड क्या हो गया? राजस्थान। थर्ड कहाँ पे? ये जो आप देख रहे हो पूरा कहाँ पे? थर्ड मध्य प्रदेश। ये कौन सा एरिया है, कहाँ से गुजर रही है? फोर्थ छत्तीसगढ़। ये वाला एरिया जो है कौन सा है? फिफ्थ झारखंड। वेस्ट जो एरिया आप देख रहे हो, सिक्स कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो है, तो कहाँ पे? तो सेवन त्रिपुरा। और ये जो आपका एरिया है यहाँ से क्रॉस कर रही है, ये एट है आपका मिजोरम। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कितने राज्यों से निकली? तो 8 राज्यों से कोई क्या करती है, क्रॉस करती है। क्लियर है? बात करें हम लोग इसको, थोड़ा सा ट्रिक का बात करें कि जो ये 8 राज्य हैं कैसे आपको याद रह सकते हैं, तो आप चाहो तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि छोटा सा ट्रिक है कि ग्राम सर, ग्राम में एक जेसीबी मशीन होती है, उससे लोग क्या होता है, मिट्टी उठाते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी क्या उठाते हैं, क्या मिट्टी निकालते हैं। ठीक है, तो जी से आपका क्या हो गया? गुजरात। आर से राजस्थान। एम से मध्य प्रदेश। जे से झारखंड। सी से छत्तीसगढ़। बी से वेस्ट बंगाल। ठीक है, एम से मिजोरम और टी से त्रिपुरा। क्लियर, तो आप चाहो तो इसको याद, मतलब एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हो याद करने के लिए टॉपिक टॉपिक ऑफ कैंसर का। ठीक, बात करें हम लोग यहाँ पे कि जो यदि जो सन होता है, यदि नॉर्थवर्ड मूव करेगा, यदि सन जो है, सन बात करें तो सन यदि नॉर्थवर्ड मूव करेगा, यदि उत्तर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो जो डे का ड्यूरेशन है, डे का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डे का ड्यूरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और 21 जून को बात करें हम लोग, 21 जून को जो सन होता है, जो सन का पोजीशन होता है, सूर्य का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, वर्टिकली ओवरहेड होता है। किसके ऊपर? वर्टिकली, वर्टिकली ओवरहेड होता है, ओवर हेड। एकदम पीछा पड़ता है वहां पे, कब कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा का ट्रॉपिक और कैंसर का। ठीक है, कब होता है? 21 जून। क्लियर है? चलिए
बात करें कुछ ऑप्शंस का जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये चार स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से कहां से कौन से स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है वो पास करती है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका बी, कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर जो है पास थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस किन राज्यों से जो कर्क रेखा पास करते हैं। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बताइए ये चार राज्य के नाम दिए हुए, इसमें से कहाँ किन किन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास करती है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ए, मतलब उत्तर प्रदेश से पास नहीं करते, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से क्रॉस कर। क्लियर। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया था, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। कितने राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है पास होते हैं। 6, 8, 7 और 9। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी, 8 राज्यों से। इनके लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या था, हमने क्या बनाया था, एक ग्राम, ग्राम में एक जेसीबी मशीन होती है, जेसीबी, वहां से उसको क्या लोग मिट्टी उठाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 हो गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये 3 हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, 2 हो गए। कितने हो गए टोटल, 3, 3, 6, 2, 8। कितने राज्यों से क्रॉस करती है। नाम, नाम आपका यहाँ से इसको याद कर सकते। ठीक है, चल एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूपीपीएससी में और लोअर में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज, कौन सा शहर नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नजदीक। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर है आपका क्या, बी, गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आईएएस में पूछा गया, यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चार सिटीज के नाम दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि कौन सी सिटी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या नजदीक रही है। क्लियर है, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को देख लेते हैं, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी, आंसर क्या है। यदि पोजीशंस की बात करें तो दिल्ली का जो पोजीशंस है वो क्या है, 28 डिग्री, नॉर्थ में है। ठीक है, कोलकाता की यदि बात करें तो 22, 22.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो ये 26 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, और नागपुर की बात करें हम लोग तो नागपुर का जो पोजीशन है वो 21 डिग्री नॉर्थ है, 21 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, 22.5 डिग्री जो नॉर्थ में, वो कहाँ है, कलकत्ता में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि तो बाकी दिल्ली का आप देखते हो 28 डिग्री है, जोधपुर का 26 डिग्री है और नागपुर का क्या है, 21 डिग्री। क्लियर है। एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें से कौन से लैटिट्यूड के द्वारा इंडिया को ऑलमोस्ट 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं,
37 डिग्री साउथ, 33 डिग्री और नॉर्थ, 0 डिग्री और 37 डिग्री, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी। आंसर क्या है? डी। जो 37 डिग्री नॉर्थ है इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्लियर है? और इसी के द्वारा, इसी लैटिट्यूड के द्वारा इंडिया को क्या ऑलमोस्ट दो भाग में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस आप देखना, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है, नॉर्थ लगा। क्लियर है? चलिए, फिर राजस्थान और यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या उत्तर में स्थित, मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ और इसके क्या है ये उत्तर में स्थित, कौन सा इंडियन स्टेट है बताइए, आंसर क्या होगा? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, क्या आंसर होगा? आंसर आपका बी। कौन सा स्टेट है? मणि, मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून, कौन से प्लेस पर जून में सबसे ज्यादा दिन का जो ड्यूरेशन होता है, जो दिन का समय होता है सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस की बात करें हम लोग यहाँ पे, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, बताइए कौन सा? आंसर आपका डी। आंसर क्या है आपका? डी, दिल्ली में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो काफी संभावना है कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आपके सक्सेस के लिए वेरी गुड लक, थैंक यू।